yes. इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स रहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये ऑटोक्लेव के बाद इसको फिल्टर करने के बाद कर दिया है ये ऐसा ग्रीन से ऐसा येलो टाइप का दिख रहा है। उसके बाद इसको इसमें बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, उसको हमको रिमूव करना रहता है। रिमूव करने के लिए हमको क्या करना रहता है, सेंट्रीफ्यूज करना रहता है। ये अपैंडप है, इसमें भर लेते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में जाते हैं। ये सेंट्रीफ्यूज मशीन तो इसको हम लोग नॉर्मल सेंट्रीफ्यूज मशीन में भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो छोटी सेंट्रीफ्यूज मशीन है कॉम्पैक्ट वाली वही है हम लोगों की। यस मैम, हाँ। फिर इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं। इसको ऑन करके आपके इसको सेट करना होगा 3 मिनट। इसमें डिपेंड करता है, इसमें कितने होल्डर्स हैं? इसमें है 15 है। तो एक टाइम कितना लगता है? हम लोग कितने क्यूवेट उसमें अपेंडेड कितने उसके वैसे तो मतलब आपको बैलेंस करना है, जैसे बैलेंस दो के गैप में करना है, दो के गैप में ओवरऑल बैलेंस करना है। एक इधर रहेगा, ऑपोजिट रहेगा, फिर दो छोड़ के इधर रहेगा, फिर इधर छोड़ के दो रहेगा। और जो हम लोगों को जैसे हमारा 200 ml का वो एक्सट्रैक्ट आया जिसको हमने ओवन में कर लिया ऑटोक्लेव में, उसके बाद पूरे को ही करना रहता है हम लोगों को सेंट्रीफ्यूज। उसके लिए बड़ी अपेंडप आती है, उसके लिए बड़ी ट्यूब्स आती हैं। ये शायद छोटी वाली के लिए वाला है सेंट्रीफ्यूज। हाँ वो हमारे पास जो मशीन है उसमें तो बड़े ही सेंट्रीफ्यूज हो रहा है। वो बड़ा है, हमारे यहाँ तो बड़ा हो जाएगा करते हैं जी। इसलिए हमको उसका सुपरनेटिंग फिर से एक बार फिल्टर करना होता है। इसको फिर से वाटरमेलन फिल्टर को 42 का यूज करते हैं। अच्छा। उसको फिर से एक बार फिल्टर करते हैं। इसका जो आएगा पैलेट नीचे में बैठ जाता है, सुपरनेटिंग बस को कलेक्ट करते हैं। अच्छा। देन वो जब हमको मिल जाएगा उसके बाद हम लोग 0.1 मोलर का जो सॉल्यूशन बनाया है सुपर नाइट्रेट का, उसको मिक्स करके 15-30 मिनट्स के लिए स्टीरर में रखेंगे। उसके बाद हम लोग एनालिसिस किया जाएगा। अच्छा। इसमें जो 3 मिनट के लिए कितने आरपीएम पे किया उसको? अभी तो 6,000 रुपया। अच्छा। ये डिक्रीज होने लगता है जैसे 5,000 अगर वो उसमें शायद 5,000 आरपीएम नहीं होगा हमारे पास। नहीं सर, वो ना वेरी करते हैं इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग। हाँ। आप इसको मल्टीपल टाइम कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग एक ही बार थोड़ी ना रन करना रहता है। हाँ। 2-3 बार हम लोग इसी में। हाँ। ये बंद हो जाएगा, 0 आ जाएगा ना, फिर से एक बार रीस्टार्ट करते हैं। जैसे 3 टाइम्स 4 टाइम्स आप कर सकते हैं। अच्छा, एक ही सैंपल को। हाँ। और ये सेंट्रीफ्यूज हो जाएगा उसके बाद, मतलब सिल्वर पहले। हाँ, उसको भी पहले सिर्फ सुपरनेटेड लिक्विड चाहिए हमें। हाँ। तो कहीं ना कहीं पैलेट नीचे में बैठा रहता है, तो हैंडलिंग के प्रॉपर ना होने से निकल जा सकता है। इसलिए हम उसको फिर से एक बार रिफिल्टर करना चाहिए। अच्छा। फिल्टर पेपर का यूज करके जब सॉल्यूशन कलेक्ट हो गया उसके बाद हम उसको फाइनली मिक्स करते हैं। ओके। नहीं तो कई बार ऐसा भी करते हैं कि जैसे ये एपेंड्रॉक्स है ना, सेटल हो गया ऊपर का सुपरनेटेड, उससे हम लोग माइक्रो पिपेट से निकाल सकते हैं। तो फिल्टरिंग का एक वो बच जाता है, अगर नीचे तक पहुंचता ही नहीं है वो ऊपर की सरफेस से लिक्विड को। ठीक है।